किसी शालीन ने बोला मेरा मजाक उड़ रहा था, जस्ट बिकॉज आई एम द यंगेस्ट डजंट मीन कि मेरे ओपिनियंस कोई मायने नहीं रखते. आई लव हिम, अलग लगाव है उनसे, आई केयर अबाउट हिम एंड आई रिस्पेक्ट हिम एंड जो भी चीज़ें. मैं कितने लोगों ने मुझे मिसजज किया है, सिर्फ वो नहीं है, फैंस ने किया है कि ये बचपना कर रही है, ये फालतू का कर रही है, कितनी चीज़ें हुई हैं. दोस्त होते हो उसने ऐसी कोई चीज़ बोली है, मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है कि मुझसे कोई गलती हुई जिस चीज़ का उसे बुरा लगा हो, कोई मेरी बात का बुरा लगा हो, तो उसके मन में वो चीज़ हो, शायद वो मेरे सामने खुल के नहीं रख पाया जस्ट बिकॉज ही कंसिडर्स मी. अच्छा लग रहा है कि आपको ऐसे हम मिल पा रहे हैं, लेकिन इस बात का दुख जरूर है कि आपको और दिन देख लेते तो मज़ा आ जाता हमको. आप थोड़ा और करीब से देख लीजिए अभी. सो हैप्पी है, थोड़ा सा सैडनेस है, थोड़ा सा मिसिंग पार्ट है, क्या है अभी राइट नाउ? ज़रा सा बुरा लग रहा है, बहुत थोड़ा सा, कि हाँ मतलब बहुत करीब थे फिनाले के, वो नहीं हो पाया, पर उसके साथ साथ गिल्ट फ्री महसूस हो रहा है बिकॉज जो नॉमिनेशन हुआ था उसमें मेरी गलती के कारण मेरे दो दोस्त नॉमिनेट हो गए थे, और अगर मेरी गलती की सज़ा किसी और को मिलती तो भले ही मैं घर के अंदर रह जाती, फिनाले में पहुँच जाती, शायद ट्रॉफी लेके चली जाती, पर वो जो गिल्ट मुझे अंदर से मार डालता वो बहुत मेरे लिए डिफ़िकल्ट होता उस चीज़ से निकलना. सो आई थिंक मेरे लिए हार जीत एक साइड है और गिल्ट फ्री रहना एक साइड है, तो मैं खुश हूँ कि मेरे कंधों पे कोई बैगेज नहीं है, कि मेरे अंदर गिल्ट नहीं है, मैं सुकून में हूँ. मेरे दोनों दोस्त, एक का जो सपना था बिग बॉस जीतना वो अभी भी वहीं पे है जिसके चांसेस हैं, दूसरा दोस्त भी मेरा वहीं पे है जो डिज़र्विंग है. सो आई जस्ट होप कि सब चीज़ एकदम सही रहे, और ऑफ कोर्स अभी उनकी याद आ रही है. So, you know, आप यंगेस्ट कंटेस्टेंट और अच्छा हफ्ते रहना, टॉप सेवन में रहना बहुत बड़ी बात होती है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए, आपकी जर्नी को डिस्क्राइब करना, तो कैसे डिस्क्राइब करोगे? ये बड़ा ही मतलब ये बहुत अलग जर्नी थी, ये जिस तरीके से चालू हुई मुझे नहीं लगा था कि इतने अच्छे नोट पे ख़त्म होगी. डाउनफॉल्स, फिर वापस से खड़े होना, फिर गिर जाना, फिर वापस से खड़े होना, फिर अपनी बात रखना, लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाना, और फिर ऐसे करते करते जो मेरा परिवार बन गया बाहर, जिन्होंने मुझे 18 हफ्तों तक बाहर नहीं आने दिया, उनसे तो मुझे अलग ही प्यार हो गया. मतलब ये बहुत अनएक्सपेक्टेड, मतलब बहुत अनप्रेडिक्टेबल था ये सब. मैंने सोचा था कि मैं 5 हफ्ते में वापस आने वाली हूँ, पर उन लोगों ने मुझे 18 हफ्ते कहीं नहीं जाने दिया. सो आई फील वेरी ग्रेटफुल. क्या कुछ गलत हुआ, क्या कुछ रह गया आपके हिसाब से कि आप फाइनल तक नहीं पहुँच पाए? अपने हिसाब से डू द सेल्फ एनालिसिस ऑफ योर जर्नी, क्या कुछ रह गया, क्या कुछ कमी लगता है आपको? आई थिंक मुझे ऐसा कुछ भी रिग्रेट नहीं है, बिकॉज जो मेरी, अगर मैं अंदर रह जाती तो फिर मैं यही सोचती कि यार मुझे बाहर निकल जाना चाहिए था. अब मैं बाहर आ गई हूँ तो मैं कुछ भी नहीं सोच रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ अपनी जर्नी के साथ. जितनी भी चीज़ें हुई आई एक्सेप्टेड, मेरी गलती हुई, वो गलती की सज़ा मुझे मिली, मैं यहाँ पे हूँ, बट आई एम ऑल काम एंड कपोज एंड वेरी हैप्पी. माई फ्रेंड्स आर इनसाइड, ट्रॉफी इंशाल्लाह मंडली के पास आएगी, बस और कुछ नहीं चाहिए, दोस्त कमाए मैं. लेट हिम आस्क, ही वाज आस्किंग बिफोर. बहुत सारे जो आपने अपनी दोस्ती का पूरा 100% दिया, आपने दोस्ती जो अपनी निभाई पूरे दोस्त से निभाई, ये सबने देखा, पूरे बिग बॉस में सब सारे लोगों ने देखा एंड बाहर वालों ने देखा. शिव का ऐसा कहना है, शिव ने ऐसा बोला, सुमुल मेरे सपोर्ट से, मंडली के सपोर्ट से आज यहाँ तक इस दिन तक पहुँचे, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट, और क्या आपका रिएक्शन है ये सुनकर जब आपको ये बात कोई मालूम? ये मैंने देखा था जब, तो मुझे थोड़ा सा ऑड फील हुआ बिकॉज आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट, पर बिकॉज हर एक इंसान जो उस घर के अंदर है वो नॉमिनेशन से बचना एक अलग चीज़ है. मैं 12 बार नॉमिनेशन में आई हूँ और उतने 12वें नॉमिनेशन में मैं निकली हूँ बाहर. आई थिंक हर एक इंसान उस घर के अंदर बाहर के सपोर्ट से है, एक दूसरे का सपोर्ट मतलब इमोशनल सपोर्ट. पर अगर मेरे दोस्त होते उसने ऐसी कोई चीज़ बोली है, मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है कि मुझसे कोई गलती हुई जिस चीज़ का उसे बुरा लगा हो, कोई मेरी बात का बुरा लगा हो, तो उसके मन में वो चीज़ हो, शायद वो मेरे सामने खुल के नहीं रख पाया जस्ट बिकॉज ही कंसिडर्स मी हिज सिस्टर एंड बिकॉज आई एम वेरी इमोशनल, कि उसके बोलने से कहीं मुझे ना बुरा लग जाए या मैं हर्ट हो जाऊँगी या मैं रोने लग जाऊँगी. तो आई थिंक कि ये सब बातें वो शायद बाहर आने के बाद बहुत अच्छी से होंगी, बिकॉज यहाँ पे बाहर निकलने के बाद कोई गेम नहीं होगा, हम यहाँ जीतेंगे नहीं, हमने जो जीतना था, मुझे दोस्ती मैंने जीती है, मैंने 6 लोग कमाए हैं अंदर जो मेरे लाइफ टाइम में, जिनके साथ खड़े रहना चाहूँगी और जो मेरे साथ खड़े रहेंगे, स्पेशली निमृत और साजिद सर एंड सब लोग. एक्चुअली मैं क्या स्पेशली बोल रही हूँ, स्टैन भी, शिव भी, अब्दू भी, सो आई एम लाइक कि या बट वो तो नेगेटिव ही बोल रहे हैं आपके लिए, और आप हैं कि आप बहुत स्वीटली बोल रहे हैं कि शायद मुझसे कुछ गलती हो गई. व्हाई इज सो मच ऑफ पोलाइट? इट्स नॉट दैट, इट्स जस्ट दैट ना, कि जब तक मेरी 1-to-1
ऐसे कॉन्वर्सेशन नहीं होगी कि ऐसा क्या तुम्हें बुरा लगा था. आई एम नॉट गोना स्पीक एनीथिंग बैड अबाउट हिम. आई लव दैट गाय. आई कंसिडर हिम एज माई ब्रदर, एज माई एल्डर ब्रदर. मैंने हमेशा से यही माना है कि वो मेरा बड़ा भाई है. उसको भी, स्टैन को भी, निमृत को मैं बड़ी बहन मानती हूँ. साजिद सर को, साजिद सर इज़ अ फादर फिगर फॉर मी. सो मेरे लिए वो एक परिवार है. और जब तक मुझे सामने से क्लैरिटी नहीं मिलेगी, मैं कुछ भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे सकती हूँ. सुम्बुल, प्रियंका और अर्चना के साथ आपकी इतनी नहीं बनी, लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगी कि बाहर प्रियंका के फैंस हो, अर्चना के फैंस हो, इनफैक्ट सौंदर्या के फैंस, इन सभी ने आपको बोल दिया, क्योंकि उनको लगता है कि जितने भी नॉमिनेटेड हैं उनमें से आप सबसे ज़्यादा डिजर्विंग हैं. क्या कहना चाहिए? अच्छी बात है, मतलब क्या कहूँ, थैंक यू. क्या बाहर भी प्रियंका और अर्चना से मिलेंगी? ऑफकोर्स, मिलने में क्या बुराई है. प्रियंका अर्चना ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है. अच्छी हैं दोनों, और अर्चना भी बहुत प्यारी है. आई थिंक गेम के बाहर वो और ज़्यादा पोलाइट होंगी थोड़ी सी. वो गेम के चलते चलते वो अलग रास्ता पकड़ लेती हैं. प्रियंका भी शायद बाहर आके उतना वॉल्यूम में बात नहीं करेंगी, पर आई थिंक प्रियंका और अर्चना से इट विल बी नाइस टू हैव अ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन विद देम, कि गेम के अलावा जब हम लोग लाइफ के बारे में बात करेंगे, कुछ एक नया होगा कि ये हमने कभी बात नहीं की. सो नो, एवरीवन नोज आपकी जो पर्सनालिटी, जो भी आपको ऑफ स्क्रीन जानते हैं, एवरीवन नो कि बहुत यू नो मस्तीखोर हैं. एंड हम जब भी आपको ऑफ स्क्रीन देखते थे इमली के सेट पे, एंड वही एक्सपेक्टेशन सेम थी कि जब आप बिग बॉस के घर में जाएंगी आप बहुत ज़्यादा एंटरटेन करेंगी, बहुत लाइवली रहेंगी, बट इसका पूरा ही अपोजिट हो गया. व्हाट आई वांटेड टू आस्क इज कि वो कौन से ऐसे मोमेंट्स थे जो कहीं ना कहीं आपको ब्रेक डाउन किया एंड आप एक शेल में चली गई. मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, सबसे पहले ये चीज़, क्योंकि जितने लोगों ने मुझे अलग एक रियलिटी शो में देखा है, चाहे वो रविवार भी स्टार परिवार हो, चाहे वो एमली हो, नॉन फिक्शन और फिक्शन में बहुत फ़र्क है ऑफकोर्स, पर रियलिटी शो में जो लोगों ने मुझे देखा था पहले, उसके बाद उन्होंने अलग कुछ एक्सपेक्टेशंस रखी थी बिग बॉस से. पर आई थिंक बिग बॉस बहुत ही अलग शो है. हम वहाँ पे बस अपने दिमाग से चल रहे हैं, और मैं ऐसी हूँ कि ना मैं झगड़ालू मेरा नेचर है, ना मैं बिना कारण के बोलती हूँ कभी. जब मुझे जेन्युइनली कुछ फील होता है मैं तभी अपनी आवाज़ उठाती हूँ. मैं बिना कारण के पूरे घर में चिल्लाती नहीं फिर सकती. मैं मुद्दा नहीं है तो भी मैं मुद्दा नहीं बना सकती. मुझे मुद्दा बनाना है तो मैं अपने ही खुद के बाल तोड़ के सीधा बाथरूम में नहीं डाल दूँगी. मतलब दैट्स नॉट मी. जब तक मुझे जेन्युइनली कोई चीज़ फील नहीं होगी तो मैं वैसी इंसान हूँ. दैट इज़ माय पर्सनालिटी ट्रिट. और मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत सिंपल इंसान हूँ. मैं अच्छी खासी सिंपल लाइफ जीती हूँ, और मैं बहुत सॉर्टेड हूँ. घर में जितनी नौटंकी होती हैं दूर से देख के मैंने बहुत इन्जॉय किया है, कसम से बता रही हूँ. कितने बार सोई भी हूँ. ये गॉड सॉरी, आपने यू नो स्टार्टिंग में शाले ने आपको बोला था कि आप ऐसे मत कुछ ला करो, ये मत किया करो, आपको कहीं ना कहीं यू नो वो मना कर रही है, ये मत करो वो मत करो. बट वही चीज़ साजिद जी ने भी बोला कि ये बचपना है, यहाँ पर छोड़ दो मैच्योरिटी लेवल पर. क्या लगता है ये दोनों की वजह से आपका गेम कहीं ना कहीं खराब हुआ है, या आप इससे अच्छा और कर सकते हैं? एग्जैक्टली, बाहर भी आपके फैंस ने बोला कि आपका कॉन्फिडेंस साजिद खान ने काफ़ी ज़्यादा तोड़ा. अच्छा, एक और सवाल, एक मेरा आप लोगों से सवाल है, ऐसा कौन सा गेम खेला है मैंने अंदर? क्योंकि मुझे भी जेन्युइनली याद नहीं है, मैंने कोई गेम खेला ही नहीं है भाई. रिएक्शन दे रहे हो, अगर आप किसी चीज़ पे गुस्सा हो रहे हो तो मजाक उड़ा रहे हो. मुझे, अगर मैं किसी, मेरे जितने लोग मुझे चाहते हैं, जितने लोगों ने मुझे वोट किया, जितने लोगों ने मुझे पहले से देखा है, वो जानते हैं कि मैं कैसी हूँ. लेकिन बिग बॉस का घर एक बहुत अलग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे अलग अलग लोग आते हैं अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ लेकर. जहाँ पे एक 19 साल की लड़की आई थी, जो शायद उनकी नज़र में साजिद सर हो या कोई भी हो, शालिन को मैं गिनती भी नहीं इस वक्त, शायद साजिद सर मेरे लिए मैटर करते हैं, कि उन्होंने मुझे पहले देखा नहीं है कि मैं कैसे बिहेव करती हूँ. पर आफ्टर अ पॉइंट ही ऑल्सो रियलाइज्ड कि नहीं, सुम्बुल ऐसी ही है. वो उन्होंने साथ में स्टार्टिंग में कितने लोगों ने मुझे मिसजज किया है, सिर्फ वो नहीं है, फैंस ने किया है कि ये बचपना कर रही है, ये फालतू का कर रही है, कितनी चीज़ें हुई हैं. बट दैट नेवर चेंज माई कोर पर्सनैलिटी. इट्स जस्ट दैट कि सामने वाले को अभी जब आप जानते नहीं हो, आप कुछ बोल नहीं सकते. साजिद सर और मेरा एक बॉन्ड है, और उन्होंने मुझे कभी भी कोई चीज़ समझाई है हमेशा मेरे अच्छे के लिए. एंड वॉट ही मैंट, ही डिडंट मीन कि ये बचपना करना छोड़ दे या ये सब चीज़ें, ही नेवर मैंट दैट. ऑल ही मैंट वॉज कि नाउ मैं एक बहुत अलग प्लेटफॉर्म पर हूँ, जहाँ पे मेरी मस्ती मैटर नहीं करती, जहाँ पे मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ मैटर करते हैं, जहाँ पे मैं हर एक सिचुएशन को कैसे देखती हूँ वो मैटर करता है, जहाँ पे मेरी मैच्योरिटी मैटर करती है. सो आई डोंट थिंक कि वो वहाँ पे कहीं पे भी गलत हैं, जहाँ पे उन्होंने मुझे बचपना दिखाने से मना किया हो. मस्ती मैंने फिर भी बहुत की है उनके साथ, टांग खिंचाई फिर भी मेरी हुई है बहुत ज़्यादा. तो इट वॉज़ लाइक अ फैमिली, तो मुझे ऐसा नहीं लगता. यस, आप बोलते हो वो गलत नहीं, बट जब फैमिली वीक हुआ था, जब आपके बड़े पापा घर में आए थे,
जब यू नो एक कॉन्वर्सेशन हुई थी जिस दरमियान से साजिद जी उठकर चले गए थे, जब शिव ने बोला था अगर सुम्बुल नहीं रहेगी या वो हमारे यू नो एज की बराबरी करने जाएगी तो उसको फिर वो प्यार नहीं मिलेगा जिस वजह से साजिद जी उठकर चले गए थे। आप बोल रहे हो कि उन्होंने सही किया यू नो सही नहीं किया या सही किया जो भी आपको समझाया, बट वही आपके बड़े पापा का कहना था कि नहीं वो जो कर रहे थे वो गलत कर रहे थे, आपको स्टॉप कर रहे। यार मैं अभी नींद आ रही है यार मेरे को, मैं 3 घंटे सो के आई हूँ, बहुत दिमाग दौड़ा रही है, 1 सेकंड रुको। अभी हर उस घर के अंदर जितनी भी सिचुएशंस आती हैं, हर एक सिचुएशन में एक अलग रिएक्शन होता है। आई एम नॉट अ पर्सन जो 24 घंटे मस्ती करती रहूँगी, आई एम अ पर्सन कुछ वक्त के लिए मस्ती होगी, मैच्योरिटी वाली बातें होगी। अगर मैं सिर्फ मस्ती करने वाली होती तो शायद मैं यहाँ पर बैठ के एकदम सीरियस होकर आंसर्स नहीं दे रही होती, तो मैं यहाँ पर ही मस्ती कर रही होती। सो आई थिंक कि कहीं ना कहीं वो भी मैटर करता है, ऑफकोर्स मेच्योरिटी भी। साजिद सर के बारे में मैं सिर्फ इतना बोलूँगी जितना टाइम मैंने उनके साथ बताया, जो बॉन्ड मैं उनके साथ शेयर करती हूँ उसके ऊपर आई डोंट थिंक सो कि किसी को भी हक है कोई भी उंगली उठाने का, क्योंकि मैंने वो बॉन्ड जिया है। मैं फारा मैम से मिली हूँ जो मुझसे इतना प्यार करती हैं, उन्होंने मुझे बताया कि साजिद सर मुझसे इतना प्यार क्यों करते हैं। वो एक अनकहा रिश्ता है, ही इज़ लाइक अ फादर फिगर फॉर मी। एंड उन्होंने मुझे जितना आप ये बोल रहे हैं, आप ये ज़रूर गिन रहे होंगे कि उन्होंने ये सब चीज़ें करने से मुझे रोका होगा, पर क्या किसी ने ये नोटिस किया कि वो जितने बार मुझे अजीब अजीब सी सिचुएशंस देते थे जो शायद नॉर्मली लाइफ में आ भी नहीं सकती हैं, पर अगर आ जाए तो उसमें मेरा क्या रिएक्शन होगा? वो काहे के लिए देते थे? नहीं, मजाक उड़ाने के लिए नहीं देते थे, वो सिर्फ इसलिए देते थे बिकॉज ही न्यू दैट इज गोना लीव इन 105 डेज एंड ही वॉन्टेड मी टू बी स्ट्रांग मेंटली। जाते जाते ही सेड ओनली वन थिंग कि सुम्बुल का ध्यान रखना। आई थिंक उतना उनका कहना काफ़ी है। लेकिन आपका जो शालीन के साथ जिस भी तरीके से हुआ उससे दर्शक भी हर्ट हुए, फैंस भी हर्ट हुए, पर्सनली मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि जिस तरीके से दो अलग हो गए, लड़ाई हो गई। How was it? वो जर्नी पेनफुल रही आपके लिए? पेनफुल इज जस्ट दैट कि आई वॉज अ लिटिल रिलीव्ड कि ज़्यादा देर नहीं हुई थी, कि ज़्यादा डैमेज नहीं हूँ। बाहर ऑफकोर्स हुआ होगा बहुत, पर अंदर मुझे जितना मिला, मुझे जितनी ज़्यादा तकलीफ हुई, दूर रहना मेरे लिए ज़्यादा बेहतर था। मैं तो चाह रही थी कि मैं रास्ते ही अलग कर लूँ कि मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, बट इफ़ यू गाइज रिमेंबर ही स्टार्टेड नॉमिनेटिंग मी, फिर मैं पीछे क्यों रहूँगी? I never wanted that. He started it, I ended it. Simple as that. So, thank you guys. You have a very hypocritical approach towards the game. मैं दो इंसिडेंट्स बताना चाहूँगा आपको। सबसे पहले तो आपको अपनी एज को लेके बहुत ही वो था कि आपको बच्ची बच्ची शालीन जब बोलते हैं बहुत दिक्कत थी उससे। बाकी उसके अलावा अगर बात करें तो आपको इस बात से भी दिक्कत थी कि आपको आपकी उम्र की तरफ क्यों नहीं ट्रीट किया जाता है। Sorry? और दूसरा इंसिडेंट मैं बताना चाहूंगा, अभी कुछ दिन पहले टॉर्चर टास्क हुआ था। टॉर्चर टास्क के बीच में जब नॉन मंडली जो टीम थी वो जब खेल रही थी तो उस वक्त आप नए नए आइडियाज दे रहे थे, वही जब आपकी मंडली जब वहां पहुंची तो आप उनको बोल रही थी कि रात में तुम सो, मैं तुमको बताती हूँ क्या करते हैं। तो डोंट यू थिंक यू हैव अ वेरी हिपोक्रेटिक अप्रोच टुवर्ड्स द गेम? नो, आई डोंट थिंक सो। और जो उम्र का आपने बात बोला, जब शालीन आपको बच्ची बोलते थे तो उससे आपको दिक्कत होती थी, सॉरी पर मैं ना ये चीज़ के साथ अग्री करती हूँ कि मैं 19 साल की हूँ, मैं वहाँ पे सबसे यंगेस्ट थी, मैंने कभी उस चीज़ का फ़ायदा उठाना नहीं चाहा, ना कभी ऐसा मांगा कि मुझे मेरी एज के हिसाब से मेरा ख्याल रखो या मेरे साथ बिहेव करो। अगर ऐसा मैं बोलती या अगर ऐसा हो रहा होता तो शायद मेरी इतनी बेइज्जती नहीं होती उस घर में, मेरी इतनी वाट नहीं लगती। मुझे प्रॉब्लम बोलने से नहीं है, मुझे प्रॉब्लम बोलने के तरीके से है कि आप चलो ठीक है, मेरे दोस्त मुझे शिव सोनिया बोलता है प्यार से, निमृत मुझे बच्चा बोलती है, क्या मैंने कभी बुरा माना? नहीं, क्योंकि वो मेरा मजाक नहीं उड़ाते हैं। जिस तरीके से शालीन ने बोला मेरा मजाक उड़ रहा था, जस्ट बिकॉज आई एम द यंगेस्ट डजंट मीन कि मेरे ओपिनियंस कोई मायने नहीं रखते। सिंपल एज दैट। अगर किसी को हिपोक्रेटिक लग रहा है, मैंने कोई गेम खेला ही नहीं है भाई, ये कौन सा गेम है जिसकी तुम लोग बात कर रहे हो, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगी कि मैंने पूरे शो में हर एक चीज़ जो भी चीज़ें की हैं, जो भी रिश्ता बनाया है, जो रिश्ता तोड़ा है, जो रिश्ता लेकर मैं बाहर आई हूँ, जितनी चीज़ें मैंने पूरे घर में की हैं वो मैंने तभी की हैं जब मुझे वो जेन्युइनली दिल से फील हुई हैं, एंड आई रेस्ट माय केस। मंडली
स्टैंड अगर अगर मतलब आपको वापस जाने के लिए सिंबू अगर आपको वापस कोई ऑफर करे आपको रियलिटी शो तो आप करोगी क्या बिग बॉस दोबारा डिपेंड्स व्हाई नॉट ऑफ कोर्स अभी तक मुझे कुछ मालूम ही नहीं है मुझे तो आप लोग बता रहे हो और प्रियंका भी हो सकती है ऐसा बोला जाए गुड फॉर हर इट्स नाइस है आपके हिसाब से कौन होगा आप जानती हो कोई मेरे हाथ में हो तो मैं तीनों को जिता दूं मेरी मंडली को ना भैया पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी ऐसे मतलब बहुत नेगेटिव एटमॉस्फेयर आजू-बाजू होता है I love that question. साजिद सर उन्होंने जितना दिमाग दौड़ाया है हमारा उन्होंने उसके साथ साथ जितनी कहानियाँ हमें सुनाई हैं जितना हमें सेन रखा है हमारा दिमाग साफ रहा है ताकि हम लोग पूरे वक्त गेम का स्ट्रेस नहीं लिए हैं और गेम से उस नेगेटिविटी नेगेटिव एनर्जी से बहुत दूर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ साजिद सर के कारण और साजिद सर के जाने के बाद आई रिमेंबर कि मेरे दिमाग में पूरा टाइम ये सब चीज़ चल रही थी कि घर में क्या हो रहा है इधर क्या हो रहा है इधर क्या हो रहा है एंड एट दैट मोमेंट आई रियलाइज कि सिर्फ एक लौते साजिद सर थे जिन्होंने हम सबको एकदम सही सलामत रखा था कि हम लोग मेंटली ठीक रहें लेकिन हम लोग उनके जाने के बाद सिर्फ ऐसे हो गए थे कि अभी सिर्फ गेम बचा है हाथ में और कुछ भी नहीं तो सिर्फ और सिर्फ साजिद सर थे जिनके कारण हम एकदम सेन थे तो साजिद सर की इमेज वैसे भी बात सही नहीं थी तो यू फील सेफ विद हिम यस ही इज अ फादर फिगर फॉर मी I love him, अलग लगाव है उनसे I care about him and I respect him. एंड जो भी चीज़ें जो भी गलत होगा आई थिंक वो सब मिसकंसेप्शन है मैं उनके साथ रही हूँ मुझे अपनी बच्ची मानते हैं और घर से निकलने का ही इज़ दी ओनली वन जिन्होंने मुझे कॉल किया और मुझसे पूरा दिन से बातें कर रहे हैं ही इज़ दी ओनली वन पर सुम्बुल जब आपके डांस की काफ़ी ज़्यादा तारीफें हुई घर की प्लस बाहर लेकिन साजिद खान और एमसी स्टैनी थे जो कि काफ़ी ज़्यादा हंस रहे थे मजाक उड़ा थे और आपके फैंस काफ़ी हट थे इस बात से कि मतलब वो डांस कर रही इतना अच्छा टैलेंट है उसका मजाक उड़ाया जाए इट्स जस्ट दैट कि एक किसी भी रिएक्शन का के एक रिएक्शन के कई मतलब हो सकते हैं कई मतलब निकाले जा सकते हैं हमें बार बार कई बार ऐसा होता है कि हमें देख के समझ नहीं आता है कि ये इंसान ऐसे रिएक्ट कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है ज़रूरी नहीं है कि वो मजाक उड़ाने के लिए उसका कोई कारण हो सकता है जैसे मैंने अभी बोला कि साजिद सर हमको सेम रखते थे उस हंसी मजाक से उस हंसी से एंड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर कोई भी बिकॉज आई टेक अगर कोई मुझे रोस्ट करे आई टेक इट व्हेन इन अ वेरी ह्यूमरस वे आई एम हैप्पी विद इट अगर मेरी वजह से लोग हंस रहे हैं इट्स ऑल राइट सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट और अगर वो लोग हंसे हैं वो लोग खुश हुए हैं उसके लिए भी एक कारण है ऑफकोर्स कि द वे आई डांस इज़ वेरी डिफरेंट लाइक they contradict with my face that the way I express myself while dancing कि expressions एकदम थोड़े टेढ़े-मेढ़े हो जाते हैं so I think it's a funny thing मुझे नहीं लगता कि इतना funny चीज़ है इतना करने वाले तुम लोग thank you बस अच्छे से अच्छा काम करती रहूँगी और कुछ भी नहीं सोचा है बहुत बहुत शुक्रिया